यार अगर हमारे बीच में यहाँ पे वर्ल्ड कप ट्रॉफी होती क्या मजे होते भाई। यार देख क्या सीन होता, मतलब मजा तो बहुत है यार वर्ल्ड कप ट्रॉफी फील ही होती, बट यार वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक मतलब सब किसी के हाथ में अच्छी नहीं लगती यार। वर्ल्ड कप मतलब उन्हीं के हाथ में अच्छी लगती है जो जीत के लाते हैं, जो प्लेयर्स वहां पर जाके दिन रात मेहनत करके वर्ल्ड कप जीत करके घर लेके आते हैं वो उन्हीं के हाथ में अच्छी लगती है। अब ये लाइन सुनी थी नहीं लग रही है, सुनिए कहीं पे। अरे कोई रिपोर्टर है स्पोर्ट्स का, विक्रांत भैया क्या उन्होंने तो कहा था एक बार। अरे हाँ यार, लेकिन उनकी तो फोटो भी आई है ट्रॉफी के साथ, तो अब उनके हाथ में ज्यादा अच्छी लग रही होगी। वो खेलने कब से लग गए लेकिन वो भी थे टीम में। हिपोक्रेसी भैया, देखो वैसे रोस्ट कर नहीं रहे बट यार आप देखो मतलब आप खुद ही कहते हो कि यार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उन्हीं के हाथ में अच्छी लगती है जो जीत के लाते हैं, जो ग्राउंड पे मेहनत करते हैं। और ये सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं, जो बाकी भी हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप आया जब इंडिया आता है उसको भी हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ हक उसको मिलता है जो वर्ल्ड चैंपियन हो। मदन जी ने तो उसको उठा के चुम भी वाकई सबके हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी आ जाए ना तो फिर क्या उसका सम्मान घट रहा है यार, किसी का सम्मान नहीं है। और आप अब खुद ही उठा लेते हो, मतलब खुद के बात से पलट गया। पर जहां तक कि जब फोटो आई, फोटो आई नरेंद्र मोदी की, वहां पर उन्होंने खुद भी नहीं पकड़ा था। उस फोटो में दिख रहा था राहुल द्रविड़ एक साइड से थे इंडियन टीम के कोच, और एक साइड में कप्तान रोहित शर्मा। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने उन दोनों के हाथ को पकड़ रखा था, ना कि ट्रॉफी को। और समझो मतलब यार क्योंकि वो समझते हैं उस ट्रॉफी की गरिमा, वो समझते हैं कि वो कितनी मेहनत के बाद आई है। अब नरेंद्र मोदी थे वो तो कहते तुम खड़े हो राहुल, तुम रोहित, मैं ट्रॉफी लेता हूँ। वो खुद भी ले सकते थे ट्रॉफी, बट यार वो समझते हैं कि मतलब इसकी इज्जत वर्ल्ड कप यार। आप इंडिया बहुत सालों बाद जीती है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत एफर्ट लगाया टीम ने, ऐसे ही नहीं वर्ल्ड कप आ गई घर। और अब ये मतलब सोचा नरेंद्र मोदी, उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया कि वो इधर इधर हाथ पकड़ रहे, वो वर्ल्ड कप नहीं टच किया। और मतलब अब आप तो खुद ने बोला था कि यार सब गा तुम अच्छी नहीं लगते और अब खुद कर रहे हो।